खबर दानापुर से है, जहां दानापुर पुलिस ने चर्चित दीपक मेहता हत्याकांड में एक मुख्य शूटर को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए शूटर का नाम नीतीश कुमार बताया जा रहा है, जो मूल रूप से भगवानगंज थाना क्षेत्र के कन्होली का रहने वाला है। वहीं पकड़े गए शूटर नीतीश ने पुलिस के सामने यह खुलासा किया है कि दीपक मेहता हत्याकांड में वह शामिल था और इसके लिए उसे उमेश राय की तरफ से 7 लाख की सुपारी मिली थी। यही नहीं, उसने पुलिस के समक्ष यह भी कबूल किया कि नीमा के रहने वाले चाचा भतीजा दिनेश शर्मा और अभिराम के हत्या मामले में भी वह शामिल था और उसमें भी उसने 2 लाख की सुपारी ली थी, जिसमें दिनेश शर्मा की हत्या मसौड़ी में और अभिराम शर्मा की हत्या जहानाबाद में गोली मार कर की गई थी। ये एक काफी बड़ी मेजर उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें आप सभी को याद होगा एक दीपक मेहता का मर्डर केस हुआ था 2022 दानापुर थाना। ये 28 मार्च को घटना हुई थी, जिसमें जब DIU और सेल के द्वारा और थाना द्वारा जब इसका टेक्निकली अनुसंधान किया गया तो डम द्वारा एक स्पेसिफिक नंबर मिला, जिस नंबर का संपर्क उमेश राय से हुआ था। उसी क्रम में जब काफ़ी ज़्यादा गहन इसमें अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि ये एक व्यक्ति है नीतीश करके, जो अनौली भगवानगंज के रहने वाले हैं, उनका नंबर ट्रेस डाउन हुआ। ये एक काफ़ी बड़े कुख्यात अपराधी के तौर पर मशहूर हैं। इनके द्वारा जब इनको अप्रिहेंड किया गया, जब इनको पकड़ा गया, इनको कल रात करीब 12:30 बजे नासरीगंज घाट से पकड़ा गया है, क्योंकि ये सूचना मिली थी कि ये यहाँ पे घूम रहे हैं। ये दो और व्यक्तियों के साथ यहाँ पे आए हुए थे जब इनको नासरीगंज घाट से पकड़ा गया, तो दो व्यक्ति जो हैं वो भागने में सफल रहे। उन दोनों व्यक्तियों का नाम एक अफसर मलिक है, एक रजनीश हैं, जो दोनों रहने वाले मसौड़ी के हैं। इनके पास से दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक चोरी का बिना नंबर का प्लेट का बाइक, सुपर हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर भी रिकवर किया गया है। जब इससे काफ़ी ज़्यादा गहन छानबीन की गई तो इसने बताया कि 28 मार्च को जब ये यहाँ पे दीपक मेहता का मर्डर किए थे तो उसके लिए इनको सेट किया गया था, जो ये है उमेश राय द्वारा। ये सबसे पहले मसौड़ी, अगर आपको जानकारी होगी तो मसौड़ी में थाना परिसर के आसपास एक गोली चली थी, जिसमें मुख्य तौर पर नीतीश अफसर मलिक व रजनीश नेम थे, उसके अलावा एक सोनू करके व्यक्ति भी उसमें नेम था। उसके बाद वो घटना करने के बाद वो उमेश राय के यहाँ पे लॉज पे काफ़ी दिनों से रह रहे थे, जिसी के क्रम में इसने जितना बताया है कि ये मसेरा भाई लगता है उमेश राय का, उसने उसको सेट किया, उसके थ्रू इनको पूरा एरिया व उसका अवलोकन कराया गया, उनको सेट किया गया। उनको करीबन 7 लाख रुपये में इन तीनों व्यक्तियों को, नीतीश अफसर मलिक व रजनीश, तीनों को सेट किया गया 7 लाख रुपए में। और इनको दीपक मेहता का जो एग्जैक्टली जो हमने बताया था आपको पिछली बार कि 52 कट्ठा जो एक प्लॉट था उसके लिए काफ़ी विवाद चल रहा था दीपक मेहता के साथ। उसके अलावा जो बाकी दो शूटर इसने बताया वो रवि गोप और उनकी टीम, जो मेजरली 29 कट्ठा का ज़मीन था वो जो विवाद चल रहा था उसके लिए।